तो विराज प्रभु आपके साथ हैं हमेशा ही, और बस ये जानना चाहेंगे कि ये सब हंसी मजाक चलता रहेगा, पढ़ाई में क्या चल रहा है, क्योंकि आपसे सब यही जानना चाहते हैं। देखिए मैं तो पढ़ाई की वाइस उठ हूँ, तो मैं पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा, इतना सबको पता है, वरना पढ़ाई मेरा पीछे छोड़ने वाली है यार। छुड़वा दो भाई नहीं छुड़ा पाओगे, पढ़ाई वाई जरूरी होती है, पढ़ो खेलो कूदो भक्ति करो आनंद इसी में, परम आनंद माधवम। लेकिन परम आनंद शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए अपन को पहले संस्कृत आनी चाहिए, तभी तो वेद पढ़ के कीर्तन करोगे। इसलिए प्रथम अपने विद्यार्थी के लिए शिक्षा होती है, और द्वितीय क्या होती है, अपना कर्म धर्मयुक्त कर्म करना, जैसे अपने पितरों की भक्ति, पिता की भक्ति, माता की भक्ति, भगवान की भक्ति। और पढ़ाई में मैंने बहुत अचीवमेंट्स किए हैं अभी नए नए, मैं आपको एक घर जाके इंग्लिश की बुक दिखाऊंगा, इतनी मोटी मोटी दो बुकें हैं, उनमें से एक मैंने इतनी मोटी वाली फिनिश कर ली, अभी इतनी मोटी वाली इतनी हो चुकी है, लगभग 10-20% मान सकते हैं। तो आपके कुछ टारगेट्स भी होंगे, उन टारगेट्स के बारे में जानता हूं। देखो सबसे पहले अब टारगेट्स पढ़ाई के ही बताऊँ सर के, और भी कुछ के अभी फिलहाल पढ़ाई की बात हो रही है, बाकी तो साथ में चलेगा ही जैसे बाकी साथ चलने वाले तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अब सर ने मना कर दिया, तो मैं अभी बताता हूँ पढ़ाई। पढ़ाई में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, जैसे अभी मैंने मैथ्स गोल बना के रखा है, मैंने पूरी 7th क्लास की मैथ्स कंप्लीट कर डाली है यार। कुछ कुछ चीज़ें थी जो मेरे को रिवाइज करना बची थी, वो 7th क्लास की बुक ने रिवाइज करवा दी है, अब मैं वापस जाऊँगा 8th में अपनी, ताकि मेरे को बोर्ड में आसानी हो और बोर्ड में मैं मेरिट में आ सकूं। तो ये है मेरा गोल, और इसी को मैं अचीव करूंगा तो बन जाएगा ये मेरा अचीवमेंट, तो सीधे फिर मैं इसको अचीव करने वाला हूँ। मैं 8th क्लास की एक बुक है उससे अब मैं पढ़ूंगा। और दूसरी बात, अभी सर एक मिनट मैंने अपनी वाणी को विराम नहीं दिया है, तो दूसरी बात और मैं बोलना चाहूँगा, पढ़ाई करूँ मस्ती करूँ, मेंटल फिटनेस तो होनी चाहिए, लेकिन मेंटल फिटनेस अगर कंकाल में होगी तो कंकाल क्या कर लेगा मेंटल फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए। तो बस स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, पढ़ते रहो। कुछ मैथमेटिक्स के 7th के चैप्टर्स के नाम जानना चाहेंगे जो आपने प्रिपेयर कर लिए। देखो सबसे पहले तो एक वॉल्यूम, पैरामीटर और एरिया का एक चैप्टर था, जो कि हमारी 9th क्लास की 13 चैप्टर आपने रह गया होगा, 13 चैप्टर, अभी थोड़ी आवाज़ आ रही है इसलिए ऐसी आ रही है, तो 13 चैप्टर आपने देखा होगा 9th का, एक सेम वैसी फॉर्मूला है उसमें, तो मैंने वो अचीव किया है। मुझे सबसे टफ जो है ना, वैसा टफ नहीं होता कुछ, लेकिन सबसे टफ मुझे वही लगा अपनी पूरी बुक का, ठीक है। और एक और चैप्टर बताऊँगा, 9th चैप्टर ट्राइंगल्स के बारे में, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो 10वीं क्लास में आती हैं यार, मैं एक बार के लिए खुद स्थिर हो गया, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री मैंने उतनी पढ़ी नहीं 10वीं में, और अब ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, पूरे 4 चैप्टर मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे, आप बताओ तो। और लास्ट 9th चैप्टर जो है वो सबसे टफ है, लेकिन मेरे को सबसे ईजी लगा, क्योंकि मैंने वो पढ़ के रखी है, जितनी पढ़ी थी उतनी कर ली, और लास्ट जो क्वेश्चन था पापा से पूछा था, एक ऐसा ट्रायंगल बना है आपको, अब उसमें आपको ओनली बीच में से ऐसा भी काट दिया, यूँ ट्रायंगल है और बीच में से ऐसा यूँ है, ऐसा ट्रायंगल है, नीचे आपका पैरेललोग्राम और ऊपर है ट्रायंगल, अब बताओ बेटा कैसे करोगे, और एंगल आपको दिए ओनली एक, बाकी सब खुद निकालने। तो मैं ना एक रूल भूल गया था अपना, ऐसा एंगल ऐसा रहता है, एक दो पैरेलल लाइन और उनके बीच में ट्रांसवर्सल होता है, उसके चारों साइड एंगल होते हैं, यहाँ एंगल, यहाँ 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 और नीचे भी, तो वो वाला मैं सम्स भूल गया था, पापा ने रिवाइज करवाया, देख ऐसे हो गए जैसे वो होता है ना वैसे, कोई अंतर नहीं था, बस फ्रेंड्स इतना अंतर था कि मैं समझ नहीं पा रहा था ये ऐसे होगा, मेरे को पूरा याद भी था कि ऐसे करना है, लेकिन बस यही नहीं समझ आ रहा था मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली से करूँ, अब मैं एंगल वाली से करूँ, फ्रेंड्स उसी के। तो विराज जी आप अपने दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा पढ़ना चाहते हैं, और आपके जैसी ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं? वैसे दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम सोचो यार ये तो बड़ा बंदी लड़का भगवान राम के आगे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम मेरी पोस्ट तक पहुँचोगे, मैं अभी मान लो कर रहा हूँ 8th भी कर रहा हूँ, वैसे 10वीं कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बची है, 8th भी कर रहा हूँ, तब तक अभी मैं 8th भी कर रहा हूँ, तुम अभी हो
सातवीं में, जैसे ही तुम आठवीं में पहुंचोगे मैं पहुंच जाऊंगा बारहवीं में, बारहवीं में पहुंचोगे मैं पहुंच जाऊंगा, फिनिश, कॉलेज भी फिनिश, थर्ड ईयर भी फिनिश, तो फोर्थ ईयर होगा अब तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि उसके लिए आपको चाहिए होगी मेरे ऐसी इंटेंशन, है ना, और मेरे ऐसे नहीं, इंटेंशन सब लोगों की होनी चाहिए ऐसी एकदम शार्प, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, फिर पढ़ाई को ही ख़त्म कर लो, ख़त्म नहीं करो मतलब पढ़ाई को ऐसा पढ़ लो कि बस फिर कभी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा पढ़ो, ठीक है, कम टाइम में पढ़ो, 10 मिनट भी पढ़ोगे ना मन ला के पढ़ लो, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ मिल गई तो समझ लो दिमाग बन गए। और एक और चीज़ बोलूँ लास्ट मिनटों पर, जब तक तुम विराज तक पहुँचोगे तब विराज नहीं ऊपर नहीं आगे पहुँच चुका होगा। धन्यवाद आपने यहाँ तक मेरी वीडियो सुनी, राम की कृपा थी बस कि मैं अब इतना मेरे बुद्धि थी।